नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं अढ़ाई का अड्डा। आचार संहिता लगने से पहले मोहन सरकार की कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल गई है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया और महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब 46% की दर से भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता अब बढ़ करके 46% की दर से दिया जाएगा। अब तक 42% दिया जा रहा था, जो कि अब बढ़कर 46% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बढ़ा हुआ ये भत्ता 1 मार्च 2024 से प्रभावी माना जाएगा। अप्रैल महीने में इसका भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से कर्मचारी नाराज चल रहे थे और अब मध्य प्रदेश में ऐलान कर दिया गया है कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिए जाने का। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को फिलहाल इंतजार करना होगा। दरअसल रिटायर्ड कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से सीधा लाभ यहां सरकारी कर्मचारियों को होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का डीए अब बढ़कर 46% हो गया है, जो कि अब तक 42% दिया जा रहा था। साथ ही साथ अभी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन्हें कुछ इंतजार और करना होगा, क्योंकि 38% का जो महंगाई भत्ता उन्हें दिया जा रहा है अभी उसी तरह से उन्हें ये भत्ता दिया जाएगा। जबकि सरकारी कर्मचारी जो अभी कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर अब 46% कर दिया गया है और डीए बढ़ने से स्वाभाविक है सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का बड़ा फैसला और इस फैसले का प्रभाव चुनाव आयोग की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही किया जाना आवश्यक भी था, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता और ऐसे में किसी भी लाभ पहुंचाने वाली योजना का ऐलान या उसका प्रभाव सरकार नहीं कर सकती थी। शैलेंद्र से बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र, सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक अच्छी खबर, बड़ी खबर? देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश के लगभग 8 लाख कर्मचारियों के लिए बेहद खुशी की खबर है। जिस तरीके से मोहन सरकार ने उनको एक बड़ी सौगात दी है, जो बढ़ा हुआ डीए केंद्र के समान देने की मांग को लेकर लगातार कर्मचारी संगठन प्रदर्शन भी कर रहे थे। देखिए ये मांग जो है विधानसभा चुनाव के पहले से भी लंबित थी और विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब आचार संहिता लग गई थी उस समय भी मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और इस बढ़े हुए डीए को लागू करने की मांग की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये मांग जो है वो पूरी नहीं हो पाई थी। और लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है वो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि उनको भी केंद्र के समान जो 4% जो डीए है वो बढ़ाया जाए, यानी उनका भी डीए 42 से बढ़ाकर 46 किया जाए। और कल जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई थी तो ये साफ माना जा रहा था कि इस बैठक में भी इस निर्णय को लिया जा सकता है। हालांकि बैठक के दौरान तो इस तरह का कोई आदेश नहीं आया, लेकिन उसके बाद अब आज एक आदेश आया है, क्योंकि कल देश भर में आम चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो रहा है, आचार संहिता लगनी है, उसके ठीक एक दिन पहले यानी लगभग 24 घंटे पहले मध्य प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को डॉक्टर मोहन सरकार का बड़ा जो है एक सौगात से कहा जा सकता है, बड़ी गिफ्ट जो है उनको कही जा सकती है। लंबे समय से जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वो इस मांग पर अड़े हुए थे कि उनको भी केंद्र के समान 46% डीए का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि अभी एक निराशा पेंशनर्स के लिए जरूर है, उनको फिलहाल अभी 38% डीए से ही काम चलाना होगा। उनका जो बढ़ाने का प्रस्ताव था उसको लेकर अभी सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। माना जा रहा है कि पेंशनर्स को लाभ देने के लिए भी सरकार जो है वो नया आदेश जारी कर सकती है, जिसके माध्यम से उनको भी 4% डीए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन देखिए जिस तरीके से कल जब कैबिनेट में ये प्रस्ताव नहीं आया था उसके बाद कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जाने लगे थे कि कर्मचारी संगठन जो है वो सरकार के खिलाफ लामबंद हो सकते हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। सांकेतिक तौर पर आज प्रदर्शन के भी जो जानकारी है वो कर्मचारी के संगठनों के द्वारा दी गई थी, लेकिन कर्मचारी संगठन जब सड़क पर उतरते उसके पहले ही डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि मध्य प्रदेश के लगभग 8 लाख कर्मचारियों को अब केंद्र के समान 46% डीए मिलेगा। जी, लेकिन शैलेंद्र, अभी ये जो घोषणा की गई है महंगाई भत्ता जो डीए बढ़ा करके दिया जाएगा, ये कब से जुड़ेगा और इसका लाभ कब से मिलना शुरू होगा उन कर्मचारियों को?
देखिए बिल्कुल, ये जो बात कही जा रही है, जुलाई जो आदेश आया है उसके अनुसार जुलाई 2023 से इस बढ़े हुए जो डीए है उनका दिया जाएगा। हालांकि ये इसका जो भुगतान है वो अप्रैल के महीने में होगा, यानी नए फाइनेंशियल ईयर में होगा। तो ये माना जा रहा है कि जो जुलाई से जब लागू होने की बात की जा रही है उसके बाद का जो समय बचता है, यानी 7 से 8 महीने, जो बल्कि उससे ज्यादा महीने हो जाएंगे अगर इस पूरे जनवरी फरवरी मार्च को भी जोड़ लिया जाए, तो लगभग 10 महीने का जो एरियर है वो उनको अप्रैल के महीने में दिया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या एरियर एक साथ दे रही है सरकार या फिर दो हिस्सों में दे रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब लंबा एरियर हो जाता है तो सरकार 2 या 3 हिस्सों में भी देती है। क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में कर्मचारी है पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से, जो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि लगभग 8 लाख के लगभग जो कर्मचारी है, जो नियमित कर्मचारी है, उन लोगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर पर ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया, गृहमंत्री होने के नाते अपनी भूमिका अदा की, बीजेपी लोगों को गुमराह करती है, चुनाव सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ना चाहिए, दुष्प्रचार करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हत्याकांड में मैं क्या भूमिका मेरी थी और नहीं थी उसको भाजपा वाले नहीं जानते। गृह मंत्री के नाते मेरी जो भूमिका थी उसको मैंने पूरी तौर पर अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दुष्प्रचार करती है, भ्रामक स्थिति निर्मित करती है, लोगों को गुमराह करती है। चुनाव लड़ना है, सैद्धांतिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, दुष्प्रचार करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये दरअसल ताम्रध्वज साहू का बयान आपने सुना, जिसमें कि एक युवक की हत्या के मामले को लेकर कई गंभीर आरोप जो लगे उन पर, और उसके बाद अब उनका एक पोस्टर जारी किया गया है। और कल दरअसल छत्तीसगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है, जिसमें एआईसीसी के सचिव विकास उपाध्याय का बयान आया, कल तक जारी हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के बाकी बचे 5 प्रत्याशियों के नाम। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की बैठक के बाद नामों पर मंथन हुआ है, ऐसा जानकारी मिल रही है। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है, कांग्रेस पार्टी बाकी बची सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है, छत्तीसगढ़ की सीटें जारी हुई, असम की, तेलंगाना की, केरल की, गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, अलग अलग उत्तराखंड की, अलग अलग प्रदेशों की सूची रोज जारी हो रही है। सीईसी में टिकटें पर डिस्कशन होता है, उसके बाद टिकट फाइनल होती है। तो कांग्रेस पार्टी की उन 5 सीटों पर भी सब डिस्कशन हो चुका है और कभी भी सूची एक साथ जारी होना, इसलिए कभी भी सूची जारी हो। और भोपाल के बाग सेवनिया इलाके में गैस सिलेंडर गोदाम में आज बड़ा हादसा हो गया और गैस सिलेंडर के गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया, जहां मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल यहां से जो धुआं उठ रहा है ये गैस सिलेंडर्स में लगी आग का असर है, और यहां पर काफी संख्या में गैस सिलेंडर्स रखे हुए थे जिनमें आग लगी और फिर धमाके पर धमाके हुए, जो पूरा गोदाम है वो ध्वस्त हो गया पूरी तरह से। ये देखिए किस तरह के धमाके यहां पर हुए और जो गैस सिलेंडर्स में आग लगी उनके धमाकों की ये तस्वीर। बाकायदा गैस सिलेंडर्स के इन धमाकों से वहां पर पूरी गोदाम के परखच्चे उड़ गए। आप देख सकते हैं कि धमाका कितना तेज और कितना इंटेंस था। भोपाल में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक पुराना वीडियो भी सामने आया, बाग सिवनिया में ये टेंट हाउस का एक गोदाम बताया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में सिलेंडर्स रखे गए थे। एक गैस सिलेंडर से दूसरे गैस सिलेंडर में गैस ट्रांसफर की जाती थी और काफी समय से ये सब कुछ यहाँ चल रहा था। सिलेंडर ब्लास्ट के चलते ये हादसा हुआ।